महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा डॉक्टर उमाकांत सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में संत समाज के द्वारा चलाए जा रहे अनशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि सत्ता के मोह में मोदी और योगी राम मंदिर निर्माण के लिए वादों को भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाने के लिए संत समाज को एकजुट होना आना पड़ा। जिले के उरई मुख्यालय में अपने निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा डॉक्टर उमाकांत सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संत समाज हमेशा से चाहता है कि राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो और इसके लिए आंदोलन अयोध्या में चल रहा है। इसके लिए दिल्ली में बैठक हुई थी कि और कोई ऐसा अध्यादेश लाया जाए जिससे मंदिर के निर्माण में कोई अड़चन ना आए। महंत ने बताया कि सभी को पता है कि मोदी योगी की सरकार है, वैसे तो अभी तक मंदिर निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी कभी कभार सत्ता के कई वादे नेता भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाना पड़ता है, जिस वजह से संत समाज उन्हें याद दिला रहा है। देखिए, संत समाज तो हमेशा चाहता है कि राम जन्मभूमि पे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो और इसके लिए आप जैसा कह रहे हैं आंदोलन चल भी रहा है और निश्चित है कि राम मंदिर बनेगा और इसके लिए संत समाज अभी दिल्ली में भी सम्मेलन हुआ था और सबका यही मत है कि कोई अध्यादेश लाया जाए इसके लिए और राम मंदिर का निर्माण किया जाए। नहीं नजर आ रहा है कि इसीलिए तो दिल्ली में करना पड़ रहा है कि कदम उठाए सरकार। नहीं, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, उम्मीद तो लगाए बैठे हैं अभी भी कि हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो अगर राज सत्ता कई बार नहीं समझती है तो उसे याद भी दिलाना पड़ता है। आपने रामायण की एक घटना है कि सुग्रीव ने वादा किया और जाके लक्ष्मण जी को फिर से बताना पड़ा कि भाई आपने वादा किया था, बहुत देर हो रही है, जल्दी कर दीजिए। देश के लिए संदेश है कि अपने चरित्र निर्माण पर अधिक ध्यान दें और आज समाज में जो दिखाई दे रहा है और ख़ासकर इस हिंदू समाज में जो जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव है और इसमें अलग अलग लोग अपनी क्षुद्र संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए अलग अलग नई सेना बना बना के खड़े हो जा रहे हैं, वो चाहे सवर्ण हो या दूसरे जाति के हों, ये अपने देश को बांटने वाला है। इसलिए सबको मिलजुल के अपने मनुष्यता के लिए, अपने आत्म उत्थान के लिए काम करना चाहिए। आदर्श कहीं अलग रह जाता है, सिद्धांत कहीं अलग रह जाते हैं, एक कोई और सेना बना रहा है, वो उसके विरोध में बोल रहा है, वही उसके विरोध में बोल रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कोई समुदाय है तो वो हिंदू है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश में होने के बावजूद भी इतने दड़बों में, इतने जातियों में हम बटे हुए हैं जो हमारे इस पूरे हिंदू समाज के लिए भला नहीं है।